आईबी इंडिया न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। सिरोही जिले में भारतीय जनता पार्टी की जिला स्तरीय बैठक बैद्यनाथ महादेव मंदिर में हुई। बैठक जालौर सिरोही लोकसभा क्षेत्र प्रभारी महेंद्र सिंह राठौर, सांसद देवजी एम पटेल, सिरोही जिला संगठन प्रभारी जालम सिंह रावलोत के आतिथ्य एवं भाजपा जिलाध्यक्ष नारायण लाल पुरोहित की अध्यक्षता में हुई। बैठक के प्रारंभ में पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा मीडिया प्रभारी चिराग रावल ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई। भाजपा जिलाध्यक्ष नारायण लाल पुरोहित ने भाजपा के कमल दीप ज्योत कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम 26 फरवरी को जिले भर के बूथ स्तर पर होगा। सिरोही के भारतीय डाक विभाग की ओर से सिरोही प्रधान डाकघर में पोस्ट ऑफिस पोस्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन रविवार को हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि जालौर सिरोही सांसद देवजी पटेल रहे। उन्होंने बताया कि सिरोही में पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरू होने से जालौर व सिरोही के लोगों की सुविधा रहेगी, अब लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि जोधपुर क्षेत्र में 650 गाँव में सुकन्या योजना बीमा से जोड़ा गया है। वशिष्ठ विधायक जगसीराम कोहली, समाराम गरासिया जिला प्रमुख पायल परसरामपुरिया, सभापति ताराराम माली, पोस्ट मास्टर जनरल बी ए राय ने पासपोर्ट सेवा की जानकारी दी। सिरोही प्रधान डाकघर में किया जा रहा है। इस अवसर पर आपकी गरिमामय उपस्थिति हेतु मैं आप सभी का स्वागत अर्पित करता हूं और इसी क्षेत्र